हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपका भी योनो ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ एरर शो कर रहा है तो आज इस वीडियो में हम इस एरर को फिक्स करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके योनो ऐप को ओपन करने के बाद आपको अगर एम पिन डालने के बाद या फिर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का एरर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉगिन पासवर्ड था वो एक्सपायर हो गया है, तो उसे रीसेट करना होता है, उसे चेंज करना होता है। इसके लिए आपको आपका यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आप उसे भूल गए हैं तो उसका रीसेट करने का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। फिलहाल अभी के इस वीडियो में हम के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑनलाइन SBI। इसके बाद ये फर्स्ट वाली वेबसाइट के अंदर जाएंगे। अगर आपको इस तरह का कुछ शो होता है तो इसका मतलब इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है या सर्वर का इशू है, तो एक बार बैक करेंगे और फिर दोबारा इसे ओपन करेंगे। अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालेंगे, जो आपको पुराना पासवर्ड है उसे ही डालेंगे, और यहाँ पे एक कैप्चा फिल करेंगे। अगर आपको ये कैप्चा समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, नया कैप्चा आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद इसे लॉगिन करेंगे। अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि यूजर नेम या पासवर्ड में कोई मिस्टेक हो गया है, या फिर हो सकता है आपको इस तरह का भी मैसेज आए तो आप इसे फिर से फिलअप करेंगे, सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा फिलअप करके उसे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर OTP नहीं आता है तो क्लिक हियर टू रिसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। OTP डालने के बाद इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज़ बीन एक्सपायर एज पर बैंक पॉलिसी, प्लीज चेंज योर पासवर्ड, कह रहा है। यहाँ पे आपको अपना आपका ओल्ड लॉगिन पासवर्ड डालना है जिससे अभी आपने लॉगिन किया है। उसके बाद आप यहाँ पे एक नया लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे और फिर उसे रीटाइप करेंगे। आपका जो पुराना पासवर्ड है उसमें ही आप चाहें तो एक जीरो बढ़ा दीजिए तो आपका ये नया पासवर्ड बन जाएगा, या आप चाहें तो कुछ इस तरह का भी पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद इसे सबमिट करेंगे। अगर आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर कस्टमर योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे इसे फिर क्लोज कर देंगे। एक बार आपके यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुल बन चुका है, आप यहाँ पे फिर क्लिक हियर करेंगे तो आप वापस से यहाँ पहुँच जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ पे एक बार अपने यूजर नेम और जो आपने नया पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करके एक बार ट्राई कर लेंगे कि ये सक्सेसफुल हो चुका है कि नहीं, या फिर आप डायरेक्ट चाहें तो अपने योनो ऐप में जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन यूजिंग यूजर नेम पे क्लिक करना होगा, इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, जो आपने अभी नया पासवर्ड बनाया उस नए पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड को डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे और आपका यहाँ पे योनो SBI ऐप ओपन हो चुका। आप इसे वापस से बैक कर देंगे और पूरा बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर से आप योनो ऐप को ओपन करेंगे। तो आप चाहें तो हमने यहाँ पे अपना पुराना MPIN डाला और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा योनो SBI ऐप ओपन हो गया। आपका ये ऐप वर्क करेगा, काम करेगा, ये प्रॉब्लम आपका एरर नहीं आएगा। बाकी अगर आपको आपका यूजर नेम या प्रोफाइल पासवर्ड या लॉगिन पासवर्ड कुछ भी नहीं पता है, सब भूल चुके हैं, तो उसका भी रीसेट करने का बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। उसके लिए हमारे ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।